सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन जो है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। बस आपको रेड कलर का बटन होगा इस चैनल के नीचे, उसको उस पर क्लिक करना है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और फिर आपको ये बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। दोस्तों हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1 डोसेज फॉर्म्स ऑफ द ड्रग, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स का, क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स की, एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम अबाउट ऑल द डोसेज फॉर्म्स। देखिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म्स ऑफ द ड्रग, क्या होती हैं डोसेज फॉर्म्स। देखिए डोसेज फॉर्म जो है एक तरह का कैरियर, या हम कह सकते हैं एक तरह का मीडियम होता है जिसके थ्रू जो ड्रग है, जो भी मेडिसिन है, उसको डिलीवर किया जाता है बॉडी में एक पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे। जिस साइट ऑफ एक्शन पे उसको प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसको क्योर किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है उसको ड्रग दे के। तो इसी ये जो इस डिलीवरी सिस्टम जो है इसी को कहते हैं डोसेज फॉर्म्स। नाउ क्या है, देखिए हर डोसेज फॉर्म जो है वो कॉम्बिनेशन होती है एक तो ड्रग और नॉन ड्रग कंपोनेंट का। देखिए ड्रग जो है इसको कहते हैं हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई। लेकिन मान लीजिए पैरासीटामोल की टैबलेट जो है तो उसमें पैरासीटामोल जो एक्चुअल में बुखार कम करती है उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है, बट और क्या होते हैं उसमें एक्स्ट्रा जिससे उसका वो टैबलेट बड़ी लगती है साइज में, वो होते हैं एक्सीपिएंट या हम कह सकते हैं एडिटिव। तो जो टैबलेट है मान लीजिए मेडिसिन पैरासीटामोल की है तो ये कॉम्बिनेशन होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि एक्चुअल ड्रग होता है प्लस एक्सीपिएंट या एडिटिव जिसको मिलाया जाता है उसका साइज जो है उसको इंक्रीज करने के लिए। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सीपिएंट्स की, आगे देखते हैं। देखिए अब देख लेते हैं क्या होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सीपिएंट्स। देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं एक तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्चुअली यूज़ किए जाते हैं डायग्नोस करने के लिए, मतलब अगर कोई डिसीज़ है तो उसका पता लगाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए किसी डिसीज़ को, या उसको प्रिवेंट उसको होने से रोकने के लिए। जो एक्चुअल केमिकल कंपाउंड होते हैं किसी भी मेडिसिन में उनको हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इनका अमाउंट बहुत ही कम होता है, ज़्यादा किसका अमाउंट होता है एक्सीपिएंट्स का। एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, देखिए इनको यूज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए किसी भी फॉर्मुलेशन को, बिकॉज ये जो एपीआई है ये तो या तो सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं, बट ये बहुत ही कम अमाउंट के होते हैं तो एज सच इसको इनको इन्हीं इसी तरह से हम नहीं दे सकते किसी भी पेशेंट को। तो इनमें एडिटिव्स जो है वो मिलाए जाते हैं एक्सीपिएंट्स ताकि उसको शेप मिल पाए, उसकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो पाए, पैलेटेबिलिटी मतलब वो खाने लायक हो, और उसके उस प्रिपरेशन को ज़्यादा एलिगेंट मीन्स उसको दिखने में ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए इन तरह के एक्सीपिएंट जो है को ऐड किया जाता है फॉर्मुलेशंस में। अब देख लेते हैं देखिए कौन कौन से एक्सीपिएंट्स मिलाए यूज़ किए जाते हैं। कलरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, देखा होगा आपने टैबलेट अलग अलग कलर्स की होती हैं, रेड होती हैं, ब्राउन, वाइट, तो वो जो है वो कलरिंग एजेंट की वजह से होती हैं। देन स्वीटनिंग एजेंट में बहुत सारे टैबलेट जो होती हैं वो ऐसा जो पेशेंट नहीं ले सकता, बहुत ही बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं बहुत, तो उनमें स्वीटनिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। मेनली इसमें हनी एंड जो शुगर होती है उसका यूज़ किया जाता है। देन फ्लेवरिंग एजेंट देखा होगा अपने बच्चों की जो प्रिपरेशन होती है सिरप्स वगैरह वो अलग अलग फ्लेवर में होती हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर होता है, एप्पल फ्लेवर होता है, तो फ्लेवरिंग एजेंट की वजह से होता है वो। देन सोल्यूबलाइजिंग एजेंट मिलाए जाते हैं ताकि जो जितने भी कॉम्पोनेंट हैं सोल्यूट है उसमें जो लिक्विड है वो आपस में एक दूसरे के साथ सोल्यूबलाइज हो, उसका फेज सेपरेशन ना हो, अलग अलग वो सेपरेट ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए प्रोडक्ट। देन उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। बहुत सारी मेडिसिंस होती हैं जो कि जब एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो उसके कारण क्या होता है वो ख़राब हो जाती हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। देन प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं ताकि बहुत लंबे समय तक प्रिपरेशन रह सके। देन सस्पेंडिंग एजेंट मिलाए जाते हैं इंजेक्शन में, मिले आपने देखा होगा कि सोल्यूट जो होता है सॉलिड मास जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है बट फिर से जब हम उसको शेक करते हैं तो वो फिर से सस्पेंड हो जाता है, तो वो सस्पेंडिंग एजेंट की वजह से होता है। देन बाइंडिंग एजेंट टैबलेट्स में मेनली मिलाए जाते हैं टैबलेट प्रिपरेशन में ताकि वो इजिली आपस में एक दूसरे जो मास है वो पूरा एक साथ आ पाए, बाइंड हो पाए और अच्छे से टैबलेट जो है वो बन पाए। देन सॉल्वेंट एंड ल्यूब्रिकेंट्स मिलाए जाते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स तो मिलाए जाते हैं ताकि जब टैबलेट जो कंप्रेशन जो मशीन से कंप्रेस की जाए तो वो ईजिली मशीन से बाहर आ पाए, वो ब्रेक ना हो जाए टैबलेट जो कंप्रेशन है उसके समय। देन परफ्यूम्स मिलाए जाते हैं ताकि उसकी प्रॉपर फ्रेग्रेंस जो है वो मेंटेन रहे।
देखिए अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन और एग्जांपल डोसेज फॉर्म्स के। सबसे पहले देखिए डोसेज फॉर्म मेनली चार पार्ट्स में डिवाइडेड हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड अदर्स। अगर हम सॉलिड में देखें तो सबसे पहले वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुए हैं, यूनिट एंड बल्क। यूनिट डोसेज फॉर्म्स में आती हैं देखिए टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर एंड पिल्स। एंड जो बल्क डोसेज फॉर्म होता है उसमें आती हैं फाइन पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स, डस्टिंग पाउडर, इनसफिलेशन एंड डेंटिफ्रीज। अगर लिक्विड प्रिपरेशन में हम देखें तो मोनोफेजिक होती हैं जिसमें सीरप्स आते हैं, एलिक्सर्स, लिंक्टस एंड ड्रॉप्स। एंड बाईफेसिक होती हैं जिसमें आते हैं इमल्शन, सस्पेंशन। देन सेमी सॉलिड में अगर हम देखें तो इंटरनली जो ली जाती हैं वो होती हैं सपोजिटरी एंड पेसरीज। और एक्सटर्नल में आते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेलीज। और अदर्स में हम देखें तो गैशियस प्रिपरेशन होती हैं जिसमें आते हैं इनहेलर्स एंड एरोसोल्स। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन, इसको प्लीज़ आप अच्छे से याद कर लें। इस पर एक शोर शॉर्ट क्वेश्चन होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर्स दोनों में ही, तो इसको प्लीज़ आप याद कर लें। देखिए देख लेते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में यूनिट डोसेज फॉर्म। देखिए यूनिट डोसेज फॉर्म क्या होती है, ये ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जो एक बार में एक ली जाती हैं। बल्क में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, उसमें से धीरे धीरे करके जो है वो उसमें प्रॉपर डोज जो है वो ली जाती है। तो यूनिट डोसेज फॉर्म में देखिए टैबलेट्स आती हैं, टैबलेट्स मतलब एक बार में एक ली जाती हैं, तो इसीलिए यूनिट डोसेज फॉर्म में आई हैं। टैबलेट्स में होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट्स से मिलकर बनी होती है। टैबलेट जो है वो अलग अलग साइज, शेप, वेट एंड हार्डनेस की होती है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं टैबलेट नाउअडेज, बस जो थोड़े ओल्ड पेशेंट होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कम दी जाती है टैबलेट्स, बाकी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है टैबलेट्स। देन कैप्सूल्स क्या होते हैं, ये भी यूनिट डोसेज फॉर्म की होती है। इनकी आउटर कवरिंग जो होती है कैप्सूल की, ये जिलेटिन शेल की मिलकर बनी होती है, जिसको जब आप स्वालो करते हैं पानी के साथ लेते हैं तो जब आपके अंदर जाती है तो ये कवरिंग जो है ये डिजॉल्व हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और इससे जो है मेडिसिन रिलीज होती है। दो तरह की होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बनी होती है। देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में इस तरह की दो शेल्स एक दूसरे के साथ फिट होती हैं, और इसके अंदर जो ड्रग होती है वो मेनली पाउडर फिल किया जाता है या ग्रैन्यूल जो है वो फिल किए जाते हैं। दूसरी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है जिसमें एक सिंगल पीस की होती है देखिए, और इसके अंदर जो ड्रग फिल की जाती है वो मेनली लिक्विड फॉर्म की होती है। देखिए फिर से देख लेते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में यूनिट डोसेज फॉर्म, पाउडर। पाउडर क्या होते हैं, देखिए यूनिट डोसेज फॉर्म होती है एक बार में एक लिया, जैसे आपने देखा होगा इनो पाउडर होते हैं, पेगलेक्स सैशेज होते हैं, तो ये भी आते हैं यूनिट डोसेज फॉर्म में सॉलिड। एंड पिल्स क्या होते हैं, देखिए स्मॉल राउंडेड डोसेज फॉर्म्स होती हैं जिनको ओरली लिया जाता है, बट पिल्स जो है वो आजकल बहुत ही कम यूज़ की जाती हैं, पिल्स की जगह टैबलेट्स और कैप्सूल ने ले ली है। देखिए सॉलिड डोसेज फॉर्म में अगर हम देखें तो बल्क डोसेज फॉर्म में क्या आते हैं, पाउडर्स आते हैं। देखिए पाउडर्स क्या होते हैं, ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड ड्रग्स होती हैं या मिक्सचर ऑफ ड्रग कह सकते हैं, जिनको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए डस्टिंग पाउडर होते हैं, इस तरह के प्रिपरेशन होते हैं, बहुत बार इसको यूज़ किया जा सकता है कंटेनर से निकाल के। एंड देन ग्रैन्यूल्स होते हैं, देखिए थोड़े से सर्कुलर फॉर्म के होते हैं, तो इसमें तीन एग्जाम्पल हैं, डस्टिंग पाउडर है, ग्रैन्यूल्स हैं, सैचेट्स हैं। देखिए सैशे अभी हमने देखा था यूनिट डोसेज फॉर्म में, इनो के बारे में देखा था, बट कुछ ऐसे भी सैशे होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी इसमें आते हैं। देन और क्या आता है बल्क डोसेज फॉर्म में, इनसफिलेशन। इनसफिलेशन क्या होता है, ये इस तरह की प्रिपरेशन होती है जिनको बॉडी कैविटी, या तो ये गैस हो सकती है या पाउडर हो सकती है या वेपर फॉर्म में हो सकती हैं, और इनको क्या किया जाता है, इनको ब्लो किया जाता है बॉडी की किसी भी कैविटी में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि नोज में इसको ब्लो किया जा रहा है, तो इस तरह की प्रिपरेशन होती हैं ये। देखिए और क्या आता है बल्क डोसेज फॉर्म में, लास्ट डेंटिफ्रीजेस आते हैं। देखिए डेंटिफ्रीज क्या होते हैं, इनमें टूथ पाउडर हो सकते हैं, टूथ पेस्ट हो सकते हैं, तो अभी हम सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात कर रहे हैं तो टूथ पाउडर की बात कर रहे हैं, तो इनको क्या किया जाता है, जैसे टूथ ब्रश पे लगा के इनको जो क्लींजिंग ऑफ टीथ जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक तरह से बल्क डोसेज फॉर्म में। बहुत सारे मेडिकेटेड पाउडर जो है, टूथ पाउडर भी दिए जाते हैं जब दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रिपरेशन के अंदर आते हैं ये। देखिए अगर हम देखें लिक्विड डोसेज फॉर्म में, तो पहले मोनोफेजिक क्या होते हैं, देखिए जिसमें सिंगल फेज होता है, मतलब जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे बाईफेजिक, वो होते हैं इमल्शन सस्पेंशन, जिनमें वाटर और ऑयल दोनों ही प्रेजेंट होता है, या सस्पेंशन जो है उसमें सॉलिड और लिक्विड जो है वो दोनों ही प्रेजेंट होता है। बट मोनोफेजिक में क्या होता है, एक सिंगल फेज में मेडिसिन जो है वो प्रेजेंट होती है। इसमें सबसे पहले एलिक्सर्स आते हैं। देखिए एलिक्सर क्या होते हैं, ये सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें अल्कोहल होता है और वाटर का बेस होता है, मतलब अल्कोहल और वाटर जो है उसमें
में जो ड्रग है उसको मिलाया जाता है, और क्या होता है इलेक्सर में शुगर होता है एंड फ्लेवरिंग एजेंट जो है उनको भी ऐड किया जाता है। मेनली पीडियाट्रिक्स जो होते हैं मतलब जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो प्रिपरेशन बनाई जाती हैं सीरप्स वगैरह, और एल्डर पेशेंट जो होते हैं उनके लिए जो प्रिपरेशन बनाई जाती हैं उनमें वो होते हैं एलिक्सर्स, बिकॉज उनको क्या होता है जो पीडियाट्रिक्स होते हैं और एल्डर पेशेंट जो होते हैं उनको डिफिकल्टी होती है टैबलेट्स फॉलो करने के लिए, तो उनके लिए बनाई जाती हैं एलिक्सर जैसी प्रिपरेशन। देन सीरप्स, जैसे अभी हमने एलिक्सर में देखा था कि इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है बेस की तरह, बट इसमें सीरप में क्या होता है इसमें अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होता बेस की तरह, इसमें क्या होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है शुगर वाटर और फ्लेवरिंग एजेंट, इन तीनों को ही आपस में मिलाया जाता है एंड कंसनट्रेट किया जाता है। ये ज़्यादा स्वीट, इसमें देखिए डिफरेंस क्या होता है एलिक्सर और इसमें, ये ज़्यादा स्वीट होते हैं, स्वीटर होते हैं और मोर विस्कस, ज़्यादा गाढ़े होते हैं एलिक्सर के कंपैरिजन में। देन थर्ड अगर हम देखें लिंक्टस, तो लिंक्टस क्या होते हैं ये भी इसी तरह की कफ प्रिपरेशन होती हैं, बट ये सबसे ज़्यादा थिक होते हैं, देखिए थिक लिक्विड मेडिसिन होती हैं जिसको स्पेशली ड्राई कफ में यूज़ किया जाता है। देन फिर देखेंगे अगर लिक्विड डोसेज फॉर्म में मोनोफेजिक में, तो आती हैं ड्रॉप्स। ड्रॉप्स सॉल्यूशन होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं एक से ज़्यादा सॉल्यूट को आपस में डिजोल्व करके, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व किया जाता है तो इस तरह का सॉल्यूशन बनता है जिसको हम ड्रॉप्स कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप्स करी जाती हैं यूज़, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप, ओरल ड्रॉप्स, कई सारे विटामिंस जो होते हैं वो दिए जाते हैं बच्चों को ओरल रूट से ड्रॉपर जो है उसकी मदद से। तो ये था मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म्स के बारे में। आप देख लेते थे कि लिक्विड डोसेज फॉर्म में बाईफेजिक, जिसमें दो फेज होते हैं, सबसे पहले आते हैं इमल्शंस। क्या होते हैं इमल्शन, एक तरह का डिस्पर्जन सिस्टम होता है। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में पूरी तरह घुल जाते हैं और फिर वो एक ऐसा फेज बनाते हैं जिसमें सिंगल फेज होता है, जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं कोई दो फेज नहीं होते। बट डिस्पर्जन सिस्टम में क्या होते हैं, देखिए दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में क्या है कि ऑयल, ये येलो कलर का ऑयल जो है ये डिस्पर्स्ड है वाटर फेज में, और उल्टा है में ये वाटर जो है ये डिस्पर्स्ड है ऑयल फेस में। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं डिस्पर्जन सिस्टम। तो इमल्शन क्या होते हैं, इसी तरह के डिस्पर्जन सिस्टम होते हैं जिसमें दो इमिसेबल लिक्विड जो है वो एक साथ कंटेन रहते हैं। इमिसेबल मतलब आपस में ये घुलते नहीं हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट के कारण इनमें स्टेबिलिटी बनी रहती है इन तरह की प्रिपरेशन की। एग्जाम्पल है देखिए कॉड लिवर ऑयल इमल्शन, कॉड लिवर ऑयल इमल्शन को यूज़ किया जाता है। कॉड लिवर ऑयल जो है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिंस पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, तो उसको सप्लाई करने के लिए इमल्शंस को दिया जाता है। एंड देन फिर आते हैं सस्पेंशन, ये भी एक तरह का डिस्पर्जन सिस्टम होता है जिसमें, इसमें हमने देखा था दो इमिसेबल लिक्विड्स थे, बट इसमें क्या होता है एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड होता है, वो आपस में एक साथ कंटेंट रहते हैं सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। मोस्ट ऑफ द इंजेक्शन जो होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं। आप देख लेते हैं सेमी लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, इसमें देख लेते हैं इंटरनली जो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले सेपोजिट्रीज, देखिए क्या होती हैं, इस तरह के प्रिपरेशन होती हैं, स्मॉल राउंडेड या कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको बॉडी की कैविटी जो है उसमें डाला जाता है, स्पेशली जो बॉटम पार्ट है उनमें डाला जाता है। जब एक बार ये बॉडी के अंदर एंटर करती है तो क्या होता है वहाँ से ये मेल्ट हो जाती है और इसे धीरे धीरे मेडिसिन जो है वो रिलीज होती है और अपना एक्शन शो करती है। देन और कौन से होती हैं सेमी लिक्विड डोसेज फॉर्म में, पेसारीज होती हैं, देखिए इस तरह की प्रिपरेशन होते हैं, स्मॉल सोल्यूबल ब्लॉक्स होते हैं जिनको वेजाइना जो है उसमें इंसर्ट किया जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन जो है उनको ट्रीट करने के लिए, और ऑल्सो यूज किया जाता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए सेमी लिक्विड डोसेज फॉर्म में देख लेते हैं एक्सटर्नली कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले है ऑइंटमेंट, जिसमें यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट क्या होता है, देखिए ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होती हैं, बेस ऑयल होता है इनका जिनको स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया जाता है। नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। देन क्रीम में क्रीम्स क्या होती हैं, ये एक तरह के प्रिपरेशंस होती हैं, टॉपिकली इनको यूज़ किया जाता है, सुपरफिशियल स्किन लेयर पे यूज़ किया जाता है। बहुत कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम का, जिसको स्किन इरिटेशन ईचिंग जो है उसमें यूज़ किया जाता है। डिफरेंस क्या होता है ऑइंटमेंट और क्रीम में, ऑइंटमेंट जो है ये ऑयल बेस्ड होती हैं, बेस ऑयल होता है, बट क्रीम जो है उसमें बेस जो है ये वाटर होता है, तो ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। देन पेस्ट एंड जेलीज क्या होती हैं, ये एक तरह की सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं जिनको टॉपिकली यूज़ किया जाता है। सुना होगा, देखा होगा आपने पेट्रोलियम जेली, वैसलीन जो होती है वो, इसमें क्या होता है देखिए पेस्ट जेलीज और ऑइंटमेंट में क्या फ़र्क होता है कि पेस्ट और जेलीज में जो सॉलिड कंटेंट होता है, सॉलिड अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है।
देन अदर डोसेज फॉर्म में अगर हम देखें तो गैशेज प्रिपरेशन होती हैं, सबसे पहले इनहेलर्स आते हैं। इनमें क्या होते हैं इनहेलर, देखिए इस तरह के डिवाइस होते हैं जिसको जिसके थ्रू जो ड्रग एडमिनिस्टर करवाई जाती है बॉडी में, या तो नेजल रूट से या ओरल रूट से पंप किया जाता है ड्रग को बॉडी में। ड्रग जो है वो सॉल्यूशन या सस्पेंशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एग्जाम्पल है देखिए सालब्यूटामोल इनहेलर एस्थमा पेशेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड देन लास्ट आते हैं एरोसोल्स, ये देखिए इस तरह की प्रिपरेशन होती है, आपने परफ्यूम्स में देखा होगा तो वो भी एक तरह की एरोसोल प्रिपरेशन होती है। और बहुत सारी प्रिपरेशन होती हैं जिनको स्किन पे स्प्रे किया जाता है जब ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उस तरह की प्रिपरेशन होती है प्रेशराइज कंटेनर में होती, कंटेनर में इनको डाला जाता है और स्प्रे किया जाता है जो साइट जिस पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है उस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1 न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं हमसे तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।